हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियर एसेंशियल। आज हम बात करेंगे कि आप प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट कैसे एनिमेट कर सकते हैं। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी लेगेसी टाइटल की, जिसकी हेल्प से हमने अपनी वीडियो में टेक्स्ट ऐड किया था। आज हम बात करेंगे टाइप टूल के बारे में और हम सीखेंगे कि आप टेक्स्ट को एनिमेट कैसे कर सकते हैं। सो टाइप टूल से टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको सिंपली टाइप टूल सेलेक्ट करना होगा। टाइप टूल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है टी फॉर बोथ विंडोज एंड मैक। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही अपनी वीडियो पे क्लिक करेंगे देन आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपको विंडो में जाके एसेंशियल ग्राफिक्स सेलेक्ट करना है। एसेंशियल ग्राफिक्स सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी लेयर सेलेक्ट करके एडिट पे जाना है। जैसे ही आप एडिट पे जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन शो होंगे। इन ऑप्शन की हेल्प से आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे अलाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेयर की ड्यूरेशन इंक्रीज कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने लेयर की ड्यूरेशन इंक्रीज कर दी है। देन अब हमें टेक्स्ट एनिमेट करना है। टेक्स्ट एनिमेट करने के लिए आपको सबसे पहले लेयर सेलेक्ट करनी होगी। लेयर सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएंगे, अब आपको ये देखना है कि आपको क्या एनिमेट करना है, जैसे कि पोजिशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट, ओपेसिटी। मान लीजिए मुझे पोजिशन एनिमेट करनी है टेक्स्ट की। पोजीशन एनिमेट करने के लिए मैं टॉगल एनिमेशन ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं स्टॉप वॉच पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यू की फ्रेम जनरेट हो चुका है। अब इस की फ्रेम पे मुझे टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करनी है। देन कुछ टाइम आगे जाने के बाद मैं टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर देता हूँ अगेन। अब आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी बहुत स्लोली एनिमेट हो रहा है। इसे फास्ट करने के लिए सिंपली आपको की फ्रेम की पोजीशन चेंज करनी होगी। जैसे कि मैं लास्ट की फ्रेम को फर्स्ट की फ्रेम के नियर रख देता हूँ। जैसे मैं नियर रखूँगा, आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट एनिमेट होगा वो बहुत स्पीड से होगा। एनिमेशन स्मूथ करने के लिए आप दोनों की फ्रेम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन राइट क्लिक करके इंटरपोलेशन में जाके ईज इन क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ईज इन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट है वो इजीली एनिमेट हो रहा है। अगर आपको की फ्रेम डिलीट करना है तो आप सिंपली स्टॉप वॉच पे अगेन क्लिक करके की फ्रेम डिलीट भी कर सकते हैं। देन ये तो बात हुई पोजिशन की, अब हमें टेक्स्ट का स्केल एनिमेट करना है। तो सिंपली मैं स्टॉप वॉच पर क्लिक करूंगा एंड देन एक की फ्रेम प्लॉट कर दूंगा। जैसे मैं की फ्रेम प्लॉट करता हूं, उसके आगे जा मुझे उस की फ्रेम पे वैल्यू चेंज करनी होगी। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने स्केल पे की फ्रेम सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट एनिमेट होने लग गया स्केल से। अगेन आपको अगर एनिमेशन थोड़ा स्पीडली करना है तो आपको जो लास्ट की फ्रेम है वो फर्स्ट की फ्रेम के नियर बाय रखना होगा। देन एनिमेशन स्मूथ करने के लिए आप अगेन राइट क्लिक करके इज इन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपके जो एनिमेशन है वो स्मूथ होगा। इसी तरीके से आप रोटेशन पे, एंकर पॉइंट पे, ओपेसिटी पे की फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप टेक्स्ट को इजिली एनिमेट कर पाएंगे। सो गाइज, आज हमने देखा कि आप कैसे टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीमियर एसेंशियल।